अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं कराची एक्सपो सेंटर में। कराची एक्सपो सेंटर में शॉप एक्सपो का दो रोज़ा रमज़ान शॉपिंग फेस्टिवल का आगाज़ हो गया है। रमज़ान शॉपिंग फेस्टिवल मार्च के महीने में 18 और 19 तारीख को जारी है। रमज़ान शॉपिंग फेस्टिवल का इफ्तिताह गवर्नर सेल्स मोहम्मद कामरान टसोली ने किया। फेस्टिवल में विजिटर्स के लिए एंट्री बिल्कुल फ्री है। दो रोज़ तक जारी रहने वाला रमज़ान शॉपिंग फेस्टिवल, इसमें शहरियों की रिकॉर्ड शिरकत मुतवक्के है। रमज़ान शॉपिंग फेस्टिवल में 250 से ज़्यादा ब्रांड्स ने अपने स्टॉल्स लगाए हैं, जिन पर 10,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स सार्फीन के लिए पेश की गई। इस दो रोज़ा फेस्टिवल में 20,000 से ज़ायद अफराद की आमद मुतवक्के है। फेस्टिवल शहरियों को अहले खाना के हमरा पुरसकून माहौल में तफरी का मुनफरद मौका फराहम कर रहा है। शॉप एक्सपो में बच्चों, खवातीन और बड़ों ने शॉपिंग करके तफरी का लुत्फ उठाया। शहरियों की आमद का सिलसिला हफ्ते की सुबह से ही शुरू हो गया, जो शाम ढले तक जारी रहेगा। शॉपिंग फेस्टिवल में मुख्तलिफ कंज्यूमर प्रोडक्ट और खिदमात फराहम करने वाली कंपनियों ने अपने स्टॉल्स लगाए। इनमें बेवरेजेस, रियल इस्टेट, प्लास्टिक हाउस होल्ड, ब्यूटी सलून, गिफ्ट आइटम, होम अप्लाइंसेस, सोलर सोल्यूशन, फर्नीचर, फ्रोजन फूड, किचन वेयर, पर्सनल केयर, बेबी प्रोडक्ट, डिजिटल पेमेंट और फूड के स्टॉल्स शामिल हैं। नुमाइश में शरीक शहरियों ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि शहरियों को तफरी की फराहमी के लिए फेस्टिवल का इनेकाद शहर पर छाए बेयकीनी के हालात में एक ताज़ा हवा का झोंका है। फेस्टिवल में शिरकत करने वाली कंपनियों ने फेस्टिवल को अवामी शिरकत के लिहाज से एक अहम इवेंट करार दिया। फेस्टिवल में स्टॉल लगाने वाली कंपनियों के नुमाइंदों का कहना था कि सार्फीन से बराह रास्त राबता और मसनूआत के मयार का अमली नमूना दिखाने के लिए ये फेस्टिवल एक आइडियल इवेंट बन चुका है। फेस्टिवल में दस्तकारियों, हाथ से कढ़ाई की गए मलबूसात, आरायशी अशिया के स्टॉल लगाने वाली कंपनियों के नुमाइंदों का कहना था कि इनकी मसनूआत ज़्यादातर अमीर तबके में पसंद की जाती हैं, लेकिन फेस्टिवल में शरीक तमाम तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने दस्तकारियों, कशीदाकारी की मसनूआत में गहरी दिलचस्पी जाहिर की है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी।
वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।